हेलो फ्रेंड्स, आई एम विजय कुमार एंड यू आर वाचिंग मी ऑन एवीकेएस एकेडमी। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अ लिटिल इंट्रोडक्शन। मैं प्रोफेशनली एक टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ और मैंने लास्ट ईयर CAPF एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 160 सिक्योर की। मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, रोहतक डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के। दोस्तों, आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपसे शेयर करूँगा अपनी जर्नी, अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी बुक लिस्ट। बट इन सबसे पहले मैं शेयर करना चाहूँगा कुछ गोल्डन रूल्स जो कि एस्पायरेंट्स को हेल्प करेंगे उनकी जो भी प्रिपरेशन है, जिस भी एग्जाम से रिलेटेड, नॉट ओनली CAPF बट ऑल एग्जामिनेशन। सो पहला रूल है रिमूव डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का मतलब है जैसे कि आप सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करते हैं, फिर फ्रेंड सर्कल, फिर सेलिब्रेशंस, फिर फेस्टिवल्स, इन सब चीज़ों को अभी के लिए स्टॉप कर दीजिए। इफ़ यू वॉन्ट टू फ्लाई हाई, यू हैव टू गिव अप एवरीथिंग दैट वेट्स यू डाउन। सो लीव अप ऑल दिस थिंग, ऑल दिस डिस्ट्रैक्शन टिल योर रिजल्ट। दूसरा रूल है डिसिप्लिन लाइफ। देखिए दोस्तों, डिसिप्लिन लाइफ का मतलब है सेल्फ कंट्रोल। आपका जो भी टाइम टेबल होता है, आप उसको डेडिकेटली फॉलो कीजिए। अगर आपने डिसाइड किया 4 बजे उठने का, तो 4 बजे ही उठिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने डिसाइड किया कि 2 दिन में वो कंप्लीट करनी है, तो उसको 2 दिन में कंप्लीट कीजिए। कोई एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए। तो इसके ज़रिए आप रिजल्ट ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप गीता का 6वें अध्याय का 7वां श्लोक देखेंगे, तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि डिसिप्लिन लाइफ लीड्स टू 0 डिफेक्टेड रिजल्ट। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हासिल नहीं किया जा सकता। एक प्रूवन फैक्ट है, अगर 21 दिन में कोई भी आदत बदली जा सकती है, श्योरली 21 दिन में कोई भी आदत बदली जा सकती है, तो आप सिंपल से सोचिए कि आपके पास तो 1 साल का प्रिपरेशन का टाइम है, तो इसमें तो आप अपनी तकदीर बिल्कुल बदल सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कॉन्टिन्यूस हार्ड वर्क का। देखिए, बिना संघर्ष के कोई इंसान महान नहीं होता है। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े, पत्थर भी भगवान नहीं होता है। तो ये था डिसिप्लिन लाइफ। थर्ड वन मैं कहना चाहूँगा, लिमिटेड रिसोर्स रखिए अपनी तैयारी के। एक बुक को 10 बार पढ़िए रादर देन 10 किताबें पढ़िए। इसमें रिविजन्स बहुत ज़रूरी होते हैं आपके माइंड में चीज़ें, ताकि परमानेंटली स्टोर हो पाए, उसको रिवाइज करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट रूल है कॉन्फिडेंस का। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। कॉन्फिडेंस से मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कई बार हम एग्ज़ाम जब देने जाते हैं, हमारा 100% सिलेबस नहीं हो पाता है। सपोज़ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हिस्ट्री पूरी नहीं हो पाई, तो माइंड में ये रहता है हिस्ट्री नहीं हुई है, क्या पता पेपर ख़राब हो जाए। तो उस समय आपको माइंड को ऐसा ट्रेन करना है कि यू नो एवरीथिंग, यू आर वेल प्रिपेयर्ड एंड यू कैन फेस एनी चैलेंज। तो जैसे आपने 3 डेट मूवी देखी होगी, उसमें आमिर खान बोलते थे जैसे ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। तो वो यही बात थी कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। अगर आपका माइंड ट्रेंड है, तो आप हम उस प्रॉब्लम को आराम से डील कर जाएंगे। इसके बाद मैं एक मिथ शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, जो बहुत लोगों में एक भ्रम है कि आपका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, आपके 10+2 में अच्छे मार्क्स होने चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एग्ज़ाम बेसिकली आपका नॉर्मली 10th-12th लेवल तक का नॉलेज देखता है, और आप अगर बेसिक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपका करंट अफेयर्स अच्छा है, तो आराम से क्लियर कर सकते हैं। जैसे मेरा ही बैकग्राउंड बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से मैं हूँ, विलेज से बिलोंग करता हूँ, और 10+2 भी मैंने गवर्नमेंट स्कूल से की है। सो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मेहनत से टाइम टेबल फॉलो करते हैं और रिविजन्स करते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, तो आप बिल्कुल एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल मैं शेयर करूँगा बाबर का। बाबर जब भी लड़ाई करने जाता था, जैसे राणा सांगा से की, इब्राहिम लोदी से की, तो वो जाने से पहले बैटल ग्राउंड को मुआयना करता था, देखता था कि उसकी फोर्सेस वैसे कम रहती थी अपोनेंट से, तो वो सोचता था कैसे मैं अटैक करूँ, सामने से कैसे अटैक आएगा, और मैं कैसे रिटेलिएट करूँगा, और मिनिमम इनपुट के साथ मैं मैक्सिमम आउटपुट कैसे ले सकता हूँ। तो यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ, बैटल फील्ड, ये जो बैटल है, बैटल आपका ये एग्ज़ाम है, और आप इसका जो सर्वे करेंगे, वो आप इसकी जो बैटल फील्ड का मुआयना करते हैं, वो मुआयना कर सकते हैं सिलेबस देख के और प्रीवियस पेपर देख के। तो
अगर आप प्रीवियस पेपर सिलेबस देखेंगे तो आपको ये आइडिया लगता है कि ये एग्ज़ाम को तैयार कैसे करना है। इस एग्ज़ाम में जितना ज़रूरी ये है कि आपको क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि क्या आपको छोड़ना है। वो आपको तभी पता चलेगा जब आप सिलेबस अच्छे से देखेंगे और इसके प्रीवियस पेपर देखेंगे। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फिर कई सारे एडिटोरियल्स पढ़ने होते हैं, तो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, आपको यहीं से सिलेबस से पता चलेगा। तो ये था मेरा कहना कि कैसे आपको यहाँ पे सिलेबस और प्रीवियस पेपर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और दोस्तों, इसके बाद मैं कुछ अपनी छोटी सी जर्नी शेयर करना चाहूँगा कि मैंने ये CAPF की फुल जर्नी शुरू से कैसे की। सो व्हाई CAPF? मेरा दोस्तों डिफेंस में शुरू से इंटरेस्ट था। मेरे पापा फौजी थे तो मेरा फौज में जाने का बचपन से इंटरेस्ट था। मैंने क्लास 12th में ही NDA एग्ज़ाम दिया था। मेरा रिटन पेपर क्लियर हो गया था बट इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया था। एक्चुअली मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं थी एंड वहाँ पे ज़्यादा डिमांड करते हैं कि आपकी अच्छी अंग्रेजी होनी चाहिए, तो आई वॉज आउट स्क्रीन आउट इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट फिर मैंने हार नहीं मानी। मैंने जब कॉलेज का फर्स्ट ईयर था उस समय भी NDA का एग्ज़ाम दिया बट वहाँ भी मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ। मैंने प्री फाइनल ईयर होता है और फाइनल ईयर होता है उसमें भी इंटरव्यू ये NDA नहीं CDS FCAT ये सब एग्ज़ाम दिए थे, काफ़ी SSB दी थी, वहाँ पे भी नहीं हो पाया। फिर फाइनल ईयर में मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था तो मैं एज ए टेक्सटाइल इंजीनियर मैंने वर्धमान यांस ज्वाइन की। वहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम काम किया और काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि ज़िंदगी का एक्सपीरियंस कैसा होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वहाँ पे भी मेरा क्या था, मैं SSB देता रहा क्योंकि मेरा इंटरेस्ट तो डिफेंस फोर्सेस में ही था। लास्टली मेरे सारे अटैम्प्ट ख़त्म हो गए, 18 प्लस अटैम्प्ट हो गए थे। फिर मेरे सारे दरवाजे डिफेंस फोर्सेस के लिए बंद हो गए थे। फिर मेरे एक दिन एक दोस्त से बात हुई, उसने मेरे को बताया कि कैसे एक और ये CAPF का एग्ज़ाम के बारे में कि ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, इसमें भी एक यूनिफॉर्म जॉब है। तो मैंने सोचा बिल्कुल ये देखूंगा मैं। मैंने सिलेबस देखा और डिसाइड किया कि मैं ये तैयारी करूंगा। फिर ड्यूरिंग जॉब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की बट टाइम नहीं मिल पाता था, जॉब आवर्स कई बार ज़्यादा हो जाते थे। तो फिर भी मैंने तैयारी की और 2-3 अटेम्प्ट दिए ड्यूरिंग जॉब। फिर नहीं हुआ तो आई डिसाइडेड टू क्विट माई जॉब और जॉब छोड़ के मैंने तैयारी स्टार्ट की। उसके दौरान जब जॉब छोड़ दी तो क्या होता है, ये एक साल का प्रोसेस हो जाता है तो इसमें बहुत ही दिमाग में अलग अलग ख्याल आने लगते हैं कि क्या पता हो या ना हो, नेगेटिव थॉट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं इस डर से ना काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्स देने लगा, हर टाइप के, जो भी SSC हो गया, CPO हो गया, सब एग्ज़ाम्स, जो भी फॉर्म निकलता था हर भर देता था। तो डिस्ट्रैक्ट हो गया था। फिर यहाँ भी मेरे को टाइम लग गया काफ़ी। फिर लास्ट जब अटैम्प्ट मेरा था CAPF का, वहाँ पर मैंने बहुत मेहनत की, डेडिकेटली मेहनत की और मेहनत के साथ, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने वही फॉलो की गोल्डन रूल जो मैंने आपसे शेयर की है, टाइम टेबल अच्छे से बनाया, उसको फॉलो किया, कॉन्फिडेंस रखा एग्ज़ाम में जाने से पहले, क्योंकि सिलेबस लास्ट टाइम भी ऐसा था कि हिस्ट्री रिवाइज नहीं हो पाई है, पॉलिटी रिवाइज नहीं हो पाई है, तो उस समय मैंने कॉन्फिडेंट रहा तो मेरा रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो गया। फिर उसके बाद फिजिकल पे थोड़ा मैंने वर्कआउट किया क्योंकि मेरा ओवरवेट था। फिजिकल पे वर्क करने के बाद मेरा फिजिकल क्लियर हुआ, मेडिकल भी क्लियर हो गया और लास्ट मेरा इंटरव्यू कॉल है। इंटरव्यू में मेरा 24 सर का बोर्ड था और बहुत अच्छा कोऑपरेटिव बोर्ड था। आई एंजॉयड दैट इंटरव्यू। उस दौरान मेरे को पता चला कि मेरी SSB में क्या दिक्कत होती थी कि मैंने मॉक इंटरव्यूज़ नहीं दिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कोई भी इंटरव्यू दें किसी भी जॉब के लिए, आप उसका मॉक ज़रूर दें। आप किसी से भी, अपने फ्रेंड को या फिर अपने भाई बहन किसी को भी, जैसे जो प्रीवियस इंटरव्यू की स्क्रिप्ट होती हैं वो पकड़ा दीजिए, वो बोलिए कि आप इंटरव्यू लीजिए, वो क्वेश्चन पूछिए। तो एक्चुअली क्या है ना, वो आपकी कमियां बताएंगे। कमियां जैसे कि आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका एक्सप्रेशंस। कई बार क्या होता है, हम आंसर तो सही से बोल लेते हैं बट हमको खुद नहीं पता होता हमारा लैंग्वेज क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, एक्सप्रेशंस नेगेटिव भी जा रहे होते हैं, तो बहुत ज़रूरी है। फाइनली जब रिजल्ट आया तो लिस्ट में नाम देखा तो बहुत खुशी हुई। देखिए दोस्तों, संघर्ष तो बहुत हुआ था, डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, बट मैं चलता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद नज़दीक आती गई मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो यही कहूँगा मैं कि बी पॉजिटिव, नेगेटिव थॉट मत आने दीजिए। अपने आसपास के जो
सर्कल है, जो भी आपके दो चार लोग जैसे भी हैं, प्रिपरेशन वाले फ्रेंड हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए और थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस को अभी के लिए अवॉइड कीजिए। तो ये दोस्तों मेरी एक ब्रीफ जर्नी थी इस वीडियो में, यही नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगा अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी बुक लिस्ट अबाउट पेपर वन पेपर टू, देन कुछ फिजिकल मेडिकल के बारे में एंड इंटरव्यू की कुछ टिप्स दूंगा। टिल देन थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।